गणेश चतुर्थी से लेकर अगले 10 दिन के लिए गणपति उत्सव शुरू हो जाते हैं, जिसकी काफी मान्यता भी है। गणेश चतुर्थी की महाराष्ट्र में विशेष मान्यता है। इस त्योहार को सबसे ज्यादा धूमधाम से यही मनाया जाता है। इस बीच गणेश उत्सव पर्व के दूसरे दिन पुणे में श्रीमंत लड्डूशेठ हलवाई गणेश मंडल में गणपति अश्वशीष का पाठ करने के लिए 40,000 से ज्यादा महिलाएं एकत्र हुई। इनके भगवान की जो भक्ति है, शक्ति है, उनके साथ भगवान गणपति बप्पा जो है ना, उनकी बुद्धि की देवता है। सुबह से 2 बजे से लेके महिला आते हैं यहाँ पे। ये हर साल का जो इतना अच्छा त्योहार रहता है कि हर साल जो भारतीय वेशभूषा जो प्राधान्य करते आती है। इस साल ये ऋषि पंचमी के दिन ये महिला भगनियों का अथर्वशीष पठन का कार्यक्रम होता है, और इस साल रविवार है, इसलिए बहुत ही भीड़, बहुत ज्यादा संख्या में ये हमारे माता भगिनी यहाँ आई। 42,000 लेडीज आई, और इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और हमको सर्टिफिकेट भी दिया है, और बहुत ही एक मंगलमय वातावरण पुणे शहर में इस अथर्वशीष पठन के कार्यक्रम से हुआ है। सामूहिक आरती भी हुई, भक्ति में सभी लोग डूबे हुए थे, क्या कहेंगे अथर्वशीष इस तरह जब एक साथ सब इकट्ठा आते तो कैसा माहौल होता है? बहुत सकारात्मक ऊर्जा यहाँ उत्पन्न होती है, और एक सामूहिक कोई भी कार्य करने से एक संगठन होता है, और हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि शक्ति है, यही गणेश जी का मैसेज है। जो हमारी भगिनी है, जो भी कुछ समाज में असुरक्षितता है, उसके लिए यह मैसेज गणेश जी ने ये दिया है। आज के दिन हमारी बुद्धि शक्ति है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये तस्वीरें देखिए, गणपति बप्पा के सामने बैठी ये हजारों महिलाएं कितनी जोश और उमंग के साथ जयकारे लगा रही हैं और जश्न में डूबी हैं।